नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। चल सरदार ने बुलाए, ज्यादा सान पट्टी नहीं समझी ना, वहीं पे खड़ी रहे। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई बचाओ बचाओ मुझे। माँ जगदम्बा मुझे शक्ति दो। हे घोड़े पे सवारी, त्रिशूल धारी रणधारी, घोरल चढ़े सवारी, एक अबला को बचाने चढ़ी है, घोरल चढ़ी सवारी, देखो घोरल चढ़ी। कहाँ गई होगी मेरी बेटी, क्या हुआ होगा उसके साथ? धीरज रखो मानसिंह काका, गोरल गई है, भवानी माँ जरूर सहायता करेगी। गोरल आ गई, देखो गोरल आ गई, गोरल आ गई, देखो गोरल गोरल आ गई, क्या गोरल आ गई, गोरल आ गई, गोरल आई, गोरल आई, हाथ में त्रिशूल लेके रणचंडी आई, दुश्मन को मार के आई। सुन लो सारे गाँव वालों, अपनी झांसी की रानी आई, गोरल आई, गोरल आई, गोरल आई। पापू, आज अगर गोरल नहीं आती तो आप मुझे जिंदा नहीं देख पाते। गोरल, तुमने मेरी इज्जत बचाई, तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे ना ना बहन, तू तो मेरी सहेली है। इससे तो तू मर गई होती तो अच्छा था। अब जब तक मैं जीऊंगा, ये गोरल का बाप कहेगा कि तेरी बेटी की जान मेरी गोरल ने बचाई थी। अब चल यहाँ से, चल। पापू,
अरे जिसको मिट्टी की गम नहीं वो पानी को भूल जाए, ये सांगा कवि सच्ची बोलता, ऐसे लोग जरूर मिट्टी में मिल जाए। गोरल बापू, गोरल आज तूने शेर के मुंह से शिकार छीन लिया है। इस अपमान का बदला अगर मैं ना लूं तो मेरा नाम भी विक्रम सिंह नहीं। ले सकते हैं बाबू, पतला ले सकते हैं। अरे बापू, ये पूरे गांव में आप जो रोप जमा रहे हो ना, उससे अच्छा नहीं काम पकड़ के बैठे रहो ना। अपना कालू भाई वो नशेड़ी, हाँ वो पूरा दिन खंटिया पकड़ के सोते रहता है और पूरा दिन मुटकी खाते रहता है, वो कब काम में आएगा। ये गोरल उसकी भतीजी होती है, ये काम सौंप दो उसे, एक तीर से दो निशाने, सांप भी मर जाएगा और लकड़ी भी नहीं टूटेगी। ये नहीं मानेगा ले। काले भाई बात समझ गए ना? हाँ समझ गया, पूरी तरह समझ गया। अपने बापू का काम आज होना चाहिए, बस अभी काम पक्का। बेटी गोरल, तू मेरी बेटी नहीं पर बेटा है बेटा। आज तूने गांव की बेटी की इज्जत बचाई, ये सुनकर मेरी छाती गदगद हो गई है। बापू कितना भी उजाला हो लेकिन रात तो रात ही होती है ना, और स्त्री तो अबला ही होती है ना। बेटी जब तू शादी करके अपने ससुराल जाएगी ना, तब मैं इस घर को पहिए लगा के इसे गोने के साथ भेजूंगा, उसके बाद भले मेरी आंखें बंद हो जाए। नहीं बापू ऐसा मत बोलो। बेटी मैं कोई गलत कह रहा हूँ? इस घर की माल मिलकत पर तेरा ही अधिकार है, और तेरे जाने के बाद ये मेरे किस काम के? इसलिए तो मैं हमेशा अपने दिल में यही सोचता रहता हूँ कि भगवान मुझे वो दिन कब दिखाए। अरे दिखाएगा, अरे आज का दिन तुझे दिख गया समझ। अरे आओ भाई आओ। बड़े भाई हाँ। ये अपनी बेटी, रूप गुण गांव में इसका कोई जोड़ नहीं है। काका ऐसे क्या बोल रहे हो? सच्ची कहता हूँ बेटा, झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। और बड़े भाई आज तो आप खुश खुशहाल हो जाओगे, ऐसी बात लेके आया हूँ। क्या खबर लाए हो भाई? ये गोरल के लिए बड़े घर का रिश्ता लेके आया हूँ। हाँ किसके घर से? अरे घर का नहीं, बड़ी हवेली सुख साहिबी, अरे पूरी बिरादरी में जिसका बड़ा नाम, वही विक्रम सिंह का रिश्ता लेके आया हूँ। विक्रम सिंह, आज तो तुमने उसका नाम अपनी जबान से लिया है, आज के बाद मैं उसका नाम सुनना नहीं चाहता। अरे पर बड़े भाई तुम मेरी बात तो सुनो। हमें कुछ नहीं सुनना है, विक्रम सिंह कैसा आदमी है ये पूरा गांव जानता है। उस पापी को कह देना कि वो मेरे सपने देखना छोड़ दे। मतलब मैं रिश्ता लेके आया, अब ना सुन के वापस जाऊँ? हाँ और अपने मुँह से ये विक्रम सिंह को सुना देना। बड़े भैया ये मेरा अपमान है। अरे तुम अपमान जैसी बात ही लेकर आए हो तो और क्या हो सकता है। ठीक है अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर जाते जाते बोलते जा रहा हूँ कि आज से तुम्हारे घर का पानी भी मेरे। अरे ना भाई। अरे वो जाने दो बड़े बापू, मेरे बापू को जाने दो, जो जाते हैं ना उसको रोकते नहीं, जाने देते। और अब आपके घर का पानी नहीं पिएगा ना, मटके का पानी हराम किया है ना, तो कोई बात नहीं अभी से वो गटर का पानी पिएगा। तू चुप बैठे पागल, देख अगर मेरा दिमाग घुमाना तो पूरे गांव को उखाड़ के फेंक दूंगा। हाँ अरे आप क्या फेंकोगे, ये गोरल शादी करेगी दूसरी जगह पे और पूरा गांव देखेगा। ए बापू गुस्से में लाल हो मत, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, गांव को उखाड़ देगा। डरना मत तू बहना, मैं हनुमान बनूंगा तेरे लिए और शादी कराऊंगा तेरी अपने चहेते हीरो से। नहीं नहीं हाँ? मजाक है। मना कर दिया? हाँ जिसके ना बोला बापू। कालू भाई ये विक्रम सिंह जब तक जिंदा है तब तक उसके घर पे और कोई दामाद आ नहीं सकता, समझे? तो मैं उसको जिंदा चीर दूंगा और सगाई के नारियल को उसके सामने होली में डाल दूंगा। अब मैं देखता हूँ कि वो किसके साथ शादी करती है। चल हीरा मोती चल। बिरबल मदद करने चले? चल हीरा चल। तो चल। ए लड़की कुछ मदद करो। अनजान लग रहे हो, वरना ऐसे खड़े नहीं रहते। अरे इसमें जाने अनजाने की बात कहाँ से आ गई, ये तो कोई मुश्किल में हो तो मदद ना करें। चूड़िया और बिंदी देखी इसीलिए मदद का हाथ बढ़ा रहे हो ना, चलते फिरो वरना मदद महंगी पड़ जाएगी। मुझे लगता है कि अब तक अच्छे आदमी से कोई पाला नहीं पड़ा। पुरुष की जात तो सब एक जैसी ही होती है। मतलब कुछ अनुभव हुआ है?
वैसे जहर का भी कोई परख होती है क्या? परखे बिना तो कैसे कह सकते हैं? बातें करना छोड़ो और चलते फिरो। आप जैसे के लोगों को बहुत देखा है मैंने। रहने दो, अकेले हाथ से पहिया नहीं निकलेगा। अभी चुपचाप जाओ वरना देख लेना। ठीक है, जाता हूँ, जरूर पड़े तो याद करना। हीरा मोती चल। बहुत घमंडी है, पहिया निकलवा दो, ऐसा नहीं कहेगी। ओ, अब तो जाना ही पड़ेगा। बिन बुलाए आ जाते, उसे अभी क्या कहना। बैलगाड़ी चलाना तो मर्दों का काम है, इन नाजुक हाथों से तो घर पे जाके रोटियां बनाओ, रोटियां। अरे वाह, ये मेरा घोड़ा हिलता नहीं है जरा सा भी और हिनहिनाता है ज्यादा। घोड़ा राम, आपने पायल पहनी है? पायल तो नहीं है। अरे ये पायल तो, ओहो, आ गई मेरी महारानी, लटक मटक के चलती है मेरी रानी। ये कसम खा के मुंह को टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करते चलती हो क्यों येड़ा पेड़ा? ये कुछ मुंह से बोलो तो सही, मुझे तुम्हारे तरबूज जैसे दांत के भी देखने। दांत देखने हैं? लो। ऐसे नहीं, ये तो चूहे के बिल के जैसा दिख रहा है। ये तुम्हारे पेट का हांडा जैसे पूनम का चंदा, और तुम्हारे गाल में पड़ता है गड्ढा। सुनो ओ शशुंदरी, तुम्हें देख के मेरा दिल करता धड़क धड़क धड़क। तुम्हारे दिल को अकेले अकेले हिलाते बैठो। अकेले हिलाओ उसमें क्या मजा आएगा, ये तू मुझसे शादी कर ले तो दिल को ठंडक पड़ जाए। सांगा, अगर उस माची को शादी करनी है ना, जो मर्द होंगे ना वो घोड़ दौड़ करने वाले हैं। क्या दौड़ना है? घोड़ दौड़ करने वाले हैं। घोड़ा। जब ये घोड़ दौड़ होगी ना तो सबसे आगे निकलकर तुम बाजी जीत जाना और उसी घोड़े में से दूल्हे का घोड़ा निकाल के मुझसे शादी करने आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। ले ये तो आना बोल के चली गई और दिल मेरा गई तोड़ के। राम पूरी तरह से फंस गया, अब राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। अरे ले लो काली मुसली सफेद मुसली, शिलाजीत और ये संजीवनी भी ले लो। ए भाई, आप किस किस मर्ज की दवा रखते हो? आपको क्या रोग हुआ है? अरे भाई मैं तो घोड़े जैसा हूँ, पर ये मेरा घोड़ा है ना एकदम मकड़ी जैसा है, उसको खाने को ज्यादा चाहिए और काम कुछ नहीं करना है। इसको ये काली दवा, पीली दवा, लाल दवा, हरी दवा, ये सब खिला सकते हैं क्या? अरे ये तो इंसानों की दवा है। अरे भाई साहब, तो फिर कुछ घोड़े की दवा बताओ ना, तुम बोलोगे उतना पैसा दूंगा। तो देता हूँ घोड़े की दवा। हाँ। क्या बीमारी है भाई? ऐसा है कि मर्द जैसा मर्द है पर थोड़ा सा चलता नहीं है, और आज ये अपने गाँव में घोड़े की दौड़, और अभी इस घोड़े दौड़ी में वो जीत जाए तो पहले ही मेरी शादी का जोक बन जाए। अरे तो ऐसा बोलो ना, बोलो एक घंटे में कितनी तेज दौड़ने वाली दवा दूं? बस ये घोड़ा दौड़ जीत जाए, ऐसी नई नई तरीके की दवा दो, मुझे ऐसा लगे कि पीछे रह गया है तो फट से उसे दवा खिला दूंगा और आगे भगा दूंगा। वापस ऐसा लगे कि फट से उसे दवा खिला दूंगा और आगे भगा दूंगा, ऐसी दवा दो। हाँ। एकदम अनोखी दवा। ऐसा ये लो पुड़िया। हाँ।